मिस कोयना, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आपको मुझे किस करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। और किस भी सबके सामने अभी और इसी वक्त करना पड़ेगा। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। करो। कोई ना, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। अरे आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है ना, इसके लिए तुम्हारी रैगिंग लेके मजा ले रहे थे हम लोग। मैं तुम्हें अपने ग्रुप से मिलवाता हूँ। गाइस, ये है मिस कोयना, हमारे कॉलेज में नई स्टूडेंट और हमारे गैंग की नई मेंबर। कोयना, ये है मोना। हाय। हेलो। गौरव। हाय। हाय। पंकज। नाइस टू मीट यू। हाय। और श्रेया। हाय। हेलो, वेलकम टू कॉलेज कोयना। सो गाइस, थ्री चीयर्स फॉर हर। हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर्रे। रिया, तुमने ध्यान से अपना टिफिन रख लिया बेटा? हाँ मम्मी। वेरी गुड, याद से ब्रेक में खाना खा लेना। हाँ मम्मी, खा लूंगी। रोहित, तुमने अपनी बुक्स रख ली? हाँ। वेरी गुड। रिया, ये तुम्हारे 50 रुपीज। थैंक यू। यू वेलकम। और रोहित, ये तुम्हारे 50 रुपीज। थैंक यू। वेलकम। ब्रेक में जो मानो खा लेना बेटा। अरे ये इतने सारे पैसे क्यों दे रही बच्चों को तुम? अरे श्याम, इनकी पॉकेट मनी है दिन भर के खर्चे के लिए, ब्रेक में जो मन होगा खा लेंगे। 50 रुपए? इतने पैसे बच्चों के हिसाब से बहुत ज्यादा है रत्ना। रोज रोज बच्चों को इतना पैसा देना ठीक नहीं है। इसमें खराबी क्या है? अभी से इतने पैसे दोगी तो आगे चलकर क्या होगा, बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। तुमसे ये किसने कहा कि जिन बच्चों को पैसे नहीं मिलते वो अच्छे होते हैं? पैसे देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता श्याम। फर्क पड़ता है रत्ना, फिजूल खर्ची से बच्चों की आदत बिगड़ती है। बिगड़े या बने मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने बच्चों को गरीबी का एहसास नहीं दिलाना चाहती, उन्हें ये नहीं जताना चाहती कि उन्हें किसी चीज की कमी है। और जहां तक पैसे का सवाल है, मैं ये पैसे अपनी कमाई में से देती हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं बच्चों की भलाई की बात कर रहा हूँ रत्ना, समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं समझना है श्याम। और जहां तक बच्चों की भलाई का सवाल है, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों के बारे में जो कुछ सोचूंगी मैं सोचूंगी, तुम नहीं। चलो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया, लेट्स गो। अरे अरे तारा, तारा क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? काय कहूं साहब, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे नहीं रोते तारा, ऐसे नहीं रोते मेरी जान। अगर तुम रोओगी तो मेरा दिल भी रो पड़ेगा। अब तुम नहीं जानती कि मेरा दिल कितना कोमल है। अक्का भाई कैसा आदमी है, यहाँ मेरे दिल पे छुरियां चलती है और इसको अपने दिल खींच पड़ी है। क्या हो गया तारा देवी, भाई साहब ने कुछ कह दिया क्या? खबरदार, जब तुमने मुझे भाई साहब कहा तो झगड़ा मत करो, मेरे बारे में सोचो। अरे क्या सोचे, क्या हो गया? पता है गाँव से आई का खत आया, उसने लिखा है कि उसने मेरी शादी किसी शराबी के साथ पक्की कर दी है और दहेज भी देना पड़ेगा। शराबी के साथ शादी? हाँ। अरे शराबी भी कोई शादी करने की चीज है? तुम तो शराबी के साथ शादी नहीं करोगी बस। अब हाँ तारा, अब बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम शराबी के साथ शादी नहीं करोगी। अरे शराब तो बहुत गंदी चीज होती है। चीखू। लेकिन आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं साहेब? मिलते हैं तारा देवी, यही मिलते हैं, यही। हाँ, यही मिलते हैं, उसके लिए इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, यही मिलते हैं। सच्ची? अरे तारा देवी, तुम तो अपनी माँ को चिट्ठी लिखो कि तुम शराबी को दहेज देकर उससे शादी नहीं करोगी बस। हाँ, और शराब नहीं पीने वाला और बिना दहेज के शादी करने वाला लड़का तुम्हें मिल गया है। क्या? किधर है? ढूंढने पर मिल जाएगा, यही। सच्ची? यही मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं अपनी आई को खत लिख दूँ कि तुम दोनों संभाल लोगे? जरूर। कॉलेज में 2 बजे छुट्टी हो जाती है ना? पता नहीं शारदा, मैं तो कॉलेज कभी गया ही नहीं। मेरे ख्याल से हो जाती है, 2:30 बज रहे हैं, अभी तक आई क्यों नहीं? लो आ गई। बाबा। अरे बेटा, कैसा रहा पहला दिन? बहुत अच्छा रहा, मुझे कॉलेज जाकर इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तेरी तरह बहुत से नए नए लड़के और लड़कियां आज पहली बार कॉलेज आएंगे। हाँ,
सारे फ्रेशर्स थे, मेरा मतलब सारे स्टूडेंट्स नए थे। पता है बाबा, कॉलेज में जाने से पहले मैं दिल ही दिल में बहुत डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही कॉलेज पहुंची तो सारा डर खुशी में बदल गया। कुछ पढ़ाई शुरू हुई बेटा? आज तो कॉलेज में पहला दिन था, इसी वजह से टीचर ने सारे स्टूडेंट के साथ आपस में इंट्रोडक्शन कराया। कितने बच्चे हैं तेरी क्लास में? इसका अंदाजा ठीक से लगाना तो मुश्किल है, कॉलेज में और भी तो स्टूडेंट्स आएंगे ना। हाँ। कोई ना, पानी लो, आराम से पियो बेटा। पता है बाबा, स्कूल के बंद बंद माहौल के बाद कॉलेज का खुला माहौल देखकर बहुत मजा आया। हाँ, आदमी जहाँ पढ़ता है उसे वो जगह पसंद आनी बहुत जरूरी है। मुझे कॉलेज सिर्फ पसंद ही नहीं, बहुत पसंद आया छोटी माँ, बहुत ज्यादा पसंद। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा कोई ना, जल्दी से मुँह हाथ धो लो और कुछ खा लो। आपने एक बात नोट की? क्या? कोई ना मुझसे बोलने लगी है। अरे हाँ शारदा, ये तो कमाल हो गया। मैं कहता था ना शारदा, कोई ना पहले से समझदार हो गई है। आज जितनी खुशी कोई ना को हो रही है उससे ज्यादा मुझे हो रही है। कितने सालों के बाद कोई ना ने मुझे छोटी कर पुकारा। गुड नाइट सागर भैया। गुड नाइट नया। सागर, अभी तक सोए नहीं बेटा? नहीं छोटी माँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। इतनी रात गए? हाँ, मुझे भी कोयना दीदी की तरह अच्छे कॉलेज में जाना है, और उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, इस बात का एहसास है तुम्हें? हाँ छोटी माँ, मुझे मालूम है कि मैं कमजोर हूँ, और हमेशा एक कमजोर आदमी को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बेटा, तुम्हारी मेहनत वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कमजोर वाली बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दो बेटा। नहीं छोटी माँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ जैसे आप समझियो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं लगातार मेहनत करते रहूँ। अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत समझदार हो गया। देख लेना, तुम्हारी ये मेहनत करने की लगन तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी बेटा। क्या बात है भाई, इतनी रात गए माँ बेटे के बीच में क्या बातें हो रही हैं? सागर बेटा, अभी तक सोए नहीं? अब तक पढ़ रहा था, क्योंकि इसे कोयना दीदी की तरह एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है ना? अच्छा, लेकिन बेटा बहुत रात हो गई है, कल पढ़ लेना। सारी मेहनत एक ही दिन में थोड़ी करनी है। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, बाकी की पढ़ाई कल। अब चलो, चल कर सो जाओ जल्दी। चलो गिरो। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम्हारे प्यार, शिक्षा और संस्कारों ने सागर में कितना आत्मविश्वास भर दिया है। चलो चलो, जाओ 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 जाओ, चली जाओ। Thank you.
कोई ना। का गुलदस्ता तैयार हो गया। पापा ये बहुत अच्छा बनाया ना? हाँ बेटा बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन आप इसका करोगे क्या? बाबा मैं कॉलेज जा रही हूँ। संभाल के जाना बेटा। हाँ। कोई ना दीदी। ये आपके लिए। मैं इसे लेकर क्या करूँगी? कॉलेज में कॉलेज बुक्स लेकर जाना है या ये गुलदस्ता? और अगर ये गुलदस्ता मैं कॉलेज लेकर गई तो सारे स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम इसे रख दो, मैं आकर ले लूंगी। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। अगर वो ये गुलदस्ता कॉलेज लेकर अपने साथ जाएगी ना तो उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे बेटा। और तुम नहीं चाहते हो ना कि दीदी का कोई मजाक उड़ाए? नहीं। लेकिन तुम फिकर मत करो, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। किसी की भी मेहनत बेकार नहीं जाती है, क्यों शारदा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे। शारदा तुम देखना सागर और मैं इस गुलदस्ते का कितना अच्छा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा क्या इस्तेमाल करेंगे? बताते हैं। आओ बेटा। कहाँ? आओ तो सही, बाबा आपको बताएंगे गुलदस्ते का क्या करना है। आओ यहाँ आओ। ये गुलदस्ता यहाँ रख दो। Three cheers for Roshan! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Thank you very much. मैं तो पहले ही confident थी। Annual photography competition में Roshan के अलावा और कोई prize जीत ही नहीं सकता। पंकज, Paddy। Yes। अरे इसकी जगह आज तुझे कैमरा लेकर आना चाहिए था। क्यों? कम से कम prize लेते वक्त एक फोटो तो हम लोग खींच लेते। अरे उसके लिए और photographers थे ना। अच्छा Roshan एक बात बता यार, तू इतनी अच्छी photography कैसे कर लेता? बस इनबॉर्न क्वालिटी समझ लो। वैसे फोटोग्राफी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, एक विजुअल सेंस भी होनी चाहिए। और यू नो दैट मैंने बहुत मेहनत किया इसको लेके। हेलो। ओ हाय कोयना, रोशन को मुबारकबाद दो, इसे ना फोटोग्राफी में फर्स्ट प्राइज मिला है। ओ कांग्रेट्स। थैंक यू। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि आप फोटोग्राफी भी करते हैं। कोयना अभी तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा कि ये और क्या क्या करता है। और कोयना एक बात और, तुम ये आप कहकर बात करना ना बिल्कुल बंद कर। We are all friends यार। Okay। Congratulations Roshan। Thank you। कभी मेरे भी दो चार अच्छे photographs खींच लो। बस पहली फुर्सत मिलते ही मैं यही करने वाला हूँ। हाँ तो अनीता तुम अपने पोर्टफोलियो के लिए सैटरडे को नहीं 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 सैटरडे को नहीं तुम संडे को। पीछे पड़ी है फोटो खिंचवाने के लिए। ये नहीं पूरे कॉलेज की लड़कियां रोशन की फोटोग्राफी की दीवानी हैं। अंकल प्राइज मिलने की खुशी में सबको एक कोल्ड ड्रिंक और एक समोसा मेरी तरफ से। इतना बड़ा प्राइज मिला है और ठीक यहाँ पे, हम सबको एक बड़े से रेस्टोरेंट में लेके चलो। व्हाट से गाइस? यस शी इज राइट, शी इज राइट। और कोई ना तुम क्या कहती हो? हाँ देखो कोई ना भी यही कहती है, अब तो तुम्हें लेके जाना होगा। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है।
चाहिए बस। चलो आओ काम। यस। ये तुम्हारी आखिरी पट्टी बंसी, तुम एक दो दिन में ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, इस चोट का दिमाग पे कोई गहरा सा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा? नहीं। चंदा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? चोट लगने के बाद इसने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है। चंदा, चंदा, तुम्हारे सर पर जो चोट लगी थी, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? चंदा, कहो क्या महसूस कर रही हो तुम? कहो चंदा, घबराओ मत, उसे पुलिस पकड़ के ले गई है। हाँ चंदा, अब तुम हमारे साथ हो, डरो मत। गुड़िया छीन कर देखे, शायद रिएक्ट करे। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं करते। पहले से ही वो शौक में है और शौक नहीं देते। डॉक्टर साहब, इस चोट का कोई गहरा असर तो नहीं पड़ेगा इसके दिमाग पे? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। क्या हुआ? हाँ, नंदिनी डूब गई।